किया जेन्युइन, इससे माउंटेड कंट्रोल की क्रूज कंट्रोल की, ये भी जेन्युइन जेन्युइन किया जेन्युइन है। जैसे मैंने प्रेस किया सामने आप देख लो, क्रूज कंट्रोल के लिए आपको कंडीशन जो है आ चुकी है। स्पीकर्स में भी कोई वायरिंग कटिंग नहीं, प्लग एंड प्ले सिस्टम भी प्लग एंड प्ले, कैमरा भी प्लग एंड प्ले। क्रूज कंट्रोल 4000 रुपए की, स्टीयरिंग कंट्रोल 2500 रुपए की है। ओके, आपका एंड्रॉइड 20500 का भी चल रहा है, ठीक है। अब कॉम्प्रेन को एक्सल आपको वही 8.5-9.5 कभी कभी डिपेंड ऑन रेंज रहता है। डैम्पिंग आपका 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है सीट अपने पास। रूफ रेल आपका 2300 का है, मतलब उसके बाद स्पॉइलर 2500 रुपए की है। सारे काम जो है जेन्युइन रहने वाले हैं। और आपका 7500 से स्टार्टिंग हो जाती है। टोटो और एप्पल का आप ले, अब आप डेक आउटपुट देख लीजिए। हमें यूट्यूब चैनल से ही भैया का भी देखा था और यूट्यूबर्स का भी देखा, तो हमें पता लगा, तो जो चीज आपको चाहिए थी सारी कुछ यहाँ पे मिल गई है। हाँ, सब कुछ अवेलेबल है। तो फिनिशिंग फिटमेंट वगैरह कैसा लगा आपको? भैया ने अच्छा करके दिया है, अभी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। फिर जैसे जैसे यूज करेंगे उस हिसाब से हम आगे भी फीडबैक देंगे। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन अगर मैं पूछूं तो कहीं कुछ कमी तो नहीं लगी? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया गाड़ी, बिल्कुल जैसे मैंने देखा था मुझे वैसे ही काम मिला है और बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है वो मिल गया। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आज सुभाष कार स्टूडियो करोल बाग में, और अपने सामने अगेन खड़ी है किया की सेल्टोस जो कि अपनी फेसलिफ्ट वाली है। तो सुभाष भाई कैसे हो आप? बढ़िया भैया जी। कौन सा वेरिएंट अगेन हमारे पास है? एचटीई मॉडल है, बेस मॉडल एचटीई का। आज फिर से हम आपको मॉडिफिकेशन जो है वो दिखाने वाले हैं, और अगेन बता दूं ये अपने चैनल पे चौथी वीडियो। और इसमें जो भैया साइड प्रोफाइल में कोई काम नहीं है, ये अगले हफ्ते आ करवाएंगे। जो काम था वो अंदर मीडिया सिस्टम, अंदर में सारा काम हुआ है। तो चलिए अंदर ही चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या चीजें जो है वो लगाई गई है। तो जी सीधा आ चुके हैं गाड़ी के इंटीरियर में, और आप सबसे पहले लुक देख लीजिए। तो बेस मॉडल का लुक ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं आता है। क्या क्या चीज लगाई सुभाष भाई आपने? स्टीयरिंग कंट्रोल क्रूज आपकी जेन्युइन किया की, ठीक है। उसके बाद एंड्रॉइड आपका 10.25 इंच का, हाइपरसोनिक का, मतलब सिस्टम के अंदर अपडेट जो है वो रहने वाला है। पैरामेट के गोल्ड सीट के डंपिंग है। कितने सीट की? 8 सीट है, डबल लेयर 8 सीट डबल लेयर। उसके बाद आपका एवटार के कंपोनेंट है, एवटार के कोएक्सल है, ब्लोपंग का 0.5 कैमरा है। ओके, मतलब जो सेटअप मेरे हिसाब से हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी लगाया था वही सेटअप जो है वो रहने वाला है। तो एक एक चीज की डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले किया जेन्युइन स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल ये रहने वाले हैं प्रॉपर। आप यहाँ पे देख लीजिए और कंपनी जाकर चेक कर लीजिए, सेम आपको जो है मिलने वाला है। आप कैसे कुछ है यहाँ पे आप देखो तो वॉल्यूम इसमें माइनस हो रही है, वॉल्यूम प्लस हो रही है, प्रॉपर अपना म्यूट अनम्यूट वर्क करेगा, और बीटी वगैरह के सारे जो बटन से एकदम एक्चुअल जो है सारे काम करने वाले हैं। इसके बाद बारी आती है क्रूज कंट्रोल की, ये भी जेन्युइन जेन्युइन किया जेन्युइन है। तो सुभाष भाई इनमें कोई तार कटिंग वगैरह नहीं, सारा प्लग एंड प्ले भैया, कोई वायरिंग कटिंग नहीं, कोई वायर कटिंग नहीं होता है। सामने आ खड़े हो, अपने आप सामने करो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई वायर कटिंग नहीं। तो 100% श्योरिटी है कि गाड़ी लेकर के आओगे तो कोई वायरिंग आपकी नहीं, कोई कटिंग नहीं। तो भाई क्रूज, हाँ जी बताइए। स्पीकर्स में भी कोई वायरिंग कटिंग नहीं, प्लग एंड प्ले सिस्टम भी प्लग एंड प्ले, कैमरा भी प्लग एंड प्ले। तो आज स्पीकर नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि जो है मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ, और लेट नहीं आया तो आपको सारी चीज दिखा देता। बाकी क्रूज कंट्रोल वर्किंग है, जैसे मैंने प्रेस किया सामने आप देख लो, क्रूज कंट्रोल के लिए आपको कंडीशन जो है आ चुकी है। अब ये 40 की स्पीड के बाद जो है एक्टिवेट होगा, तो अभी आप यहाँ पे सिर्फ चेक कर सकते हो, ये अपना वर्किंग करके सुभाष भाई ने दे दिया है। अब सिस्टम की बात कर लेते हैं सुभाष भाई, तो सिस्टम की स्क्रीन क्या बताई आपने? 10.25 हाइपरसोनिक का रहने वाला है, काफी बढ़िया क्वालिटी। क्या वारंटी? 1 साल की वारंटी होती है, 1 साल की वारंटी के साथ आपको मिल जाएगा। और अभी भी हम जो है ये फ्रेम आप चेक कर लीजिए किस तरीके की इसकी फिटिंग कर रहे हैं, वह फ्रेम आ जाएगा तो इसकी फिटमेंट बिल्कुल प्रॉपर आने वाली है। फ्रेम भी सबसे पहले अपने पास ही आएगा भैया, और सामान भी, सामान भी अपने पास, सामान का वीडियो भी आने वाला है। तो सुभाष भाई कुछ चीजों के प्राइस बताया करो यार। प्राइस भैया जो क्रूज कंट्रोल 4000 रुपए की, स्टीयरिंग कंट्रोल 2500 रुपए की है। ओके, आपका एंड्रॉइड 20500 का भी चल रहा है, ठीक है। भैया अब कॉम्प्रेन को एक्सल आपको वही 8.5-9.5 कभी कभी डिपेंड ऑन रेंज रहता है। डैम्पिंग आपका 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है सीट अपने पास। रूफ रेल आपका 2300 का है, मतलब उसके बाद स्पॉइलर 2500 रुपए की है। सारे काम जो है जेन्युइन रहने वाले हैं। और आपका 7500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है, तो मतलब ए टू जेड सारा चीज हमने रूफ रेल और स्पॉइलर भी लगाया है, ठीक है। वो भी दिखाते हैं, सबसे पहले टच का रिस्पॉन्स वगैरह आप चेक कर लीजिए कैसा कुछ जो है वो रहने वाला है। यहाँ पे आप देखो काफी क्विक है, और इतनी बड़ी स्क्रीन साइज के बाद आपको ना यहाँ पे एक टच का रिस्पॉन्स बहुत बेहतरीन जो है वो मिलने वाला है। बेसिकली कनेक्टेड फील जो है वो आप यहाँ पे कर पाओगे, और यहाँ पे जेड लिंक जो है वो आपको दिया गया है, जिसकी हेल्प से जो है आप यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल का आप ले दोनों को जो है वो इजीली कनेक्ट कर सकते हो। वायरलेस रहेंगे या वायरलेस? दोनों ही वायरलेस रहेंगे, स्मूथ फंक्शनिंग के साथ। कैमरा भी लगाए? हाँ कैमरा भी लगाया। तो कैमरे का आउटपुट कैसा कुछ आने वाला है वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए। लास्ट वीडियो में मैंने नाइट का आउटपुट दिखाया था, अब आप डे का आउटपुट देख लीजिए। पीछे खड़ी है एंटोक, बिल्कुल साफ साफ कलर जो है आप इसमें यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एचडी होता है भाई? एचडी कैमरा भैया, ब्लोपंग का 0.5, बड़ी सबसे टॉप कैमरा, सबसे टॉप क्वालिटी का कैमरा है। और सबसे बढ़िया चीज वाइड एंगल, यहाँ से लेकर के वहां तक का सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको कहीं पर भी जो है ना वो एज्यूम करके चलाना नहीं पड़ेगा कि पीछे कुछ है या नहीं, सब कुछ आपको क्लियर जो है सामने नजर आने वाला है। डैम्पिंग वगैरह लग चुकी है, वो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। किसी भाई ने सीट कवर लगवाने हैं तो सीट कवर के पास अपने पास एक अच्छी खासी रेंज है, और सुभाष भाई जो है सीट कवर रेडी भी करवा के लगवा, रेडी ही होकर लगेगी भैया, कोई भी गाड़ी लगाओ रेडी होकर ही लगेगी।
तीन चार घंटे का टाइम, तीन से चार घंटे में आपको प्रॉपर लग जाएगा, लगा के दे देते हो। तो ये सारा काम जो है वो रहने वाला है। अब आपको दिखाते हैं हम स्पॉइलर और अपनी जो है रूफ रेल। तो ये अपनी जो रूफ रेल है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये रूफ रेल अपनी जो है प्रॉपर सेल्टोस की रहने वाली है। सुभाष भाई, कल वाली पे यहाँ सेल्टोस लिखा हुआ था ना, ये इसमें गैलियो ब्रांडिंग की है, कल वो आपका इम्पोर्टेड था, कस्टमर को डिपेंड करता है वो आप लगवा सकते हो, जो सा आपको चाहिए तो वो भी लगवानी है वो भी मिल जाएगी, ये लगवानी ये भी मिल जाएगी, दोनों स्टॉक में रहती है अपने पास, दोनों स्टॉक में आपके स्पॉइलर भी अपने में। तो ये स्पॉइलर भी आप देख लीजिए, ये पियानो ब्लैक की फिनिश के साथ रहने वाला है। कोई और कलर का ऑप्शन मिलता है इसके अंदर? इसमें ब्लैक ही आएगा, ओनली ब्लैक आएगा। तो चाहे किसी भी कलर की गाड़ी हो, आपने ब्लैक ही लगता है। और सूट कैसा कुछ कर रहा है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो सुभाष भाई, क्या पेस्टिंग करते हो या फिर प्रॉपर पेस्टिंग निकलेगा? तो नहीं नहीं भैया, तो यहाँ पे प्रॉपर जो है काम इसका हो चुका है। एक बार मैं आपको कैमरा दिखा देता हूँ, तो कैमरे की प्लेसमेंट आप यहाँ पे दिख लीजिए। एएचडी वाला कैमरा है बेसिकली, इसको गट्टू कैमरा कहा जाता है। और अगेन वही पूछूंगा, इसकी भी वायरिंग प्लग एंड प्ले रहने वाली है। हाँ, स्पीकर के बॉक्सेस आप यहाँ पे देख लीजिए, बैक कैमरा की सेटअप है भैया। तो ये वाला अपना कोएक्सियल स्पीकर जो कि रियर दरवाजों में लगा है, और ये अपना कॉम्बिनेशन स्पीकर जो कि फ्रंट दरवाजों में लगा हुआ है। आउटपुट काफ़ी बेहतरीन जो है वो आपको मिल जाता है। कैमरे का बॉक्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। किसी को बूट लाइट चाहिए वो भी लग जाएगी, किसी को पार्सल ट्रे चाहिए वो भी लग जाएगी। स्टोर भी कर रहे हैं पार्किंग में, कल वाली गाड़ी में वो आई हुई है। तो कल वाली गाड़ी के अंदर जो है वो पार्सल ट्रे जो है वो लग रही है, मतलब सारा काम जो है आप करवा सकते हो अपनी किया सेल्टोस के अंदर। बेस मतलब को टॉप मॉडल बनवा सकते हो। इसके अलावा कुछ चीज़ें बताइए जो आप लगवा सकते हैं इस वाली गाड़ी में। अभी अपने पास टेल लाइट्स भी है, फॉग लैंप भी आने वाली है, अगले हफ्ते तक अपना सारा बनाना ठीक है। बाकी आप चाहो डोर हैंडल जो है वो लगवा सकते हो, लोअर गार्निश है, डोर वाइजर लगवा सकते हो, अपने पास डोर वाइजर वगैरह की काफ़ी रेंज है। और हम बात कर रहे थे कि डैम्पिंग करी गई है, तो यहाँ पे आप सुनिए सबसे पहले आउटपुट, और अब यहाँ पे सुनिए आप, तो फर्क आपने खुद देख लिया है कि यहाँ से आपको एक टन टन की आवाज़ आ रही है, जबकि यहाँ से आपको एक ठोस साउंड जो है वो मिलने वाला है। डैम्पिंग के ये सारे जो बेनिफिट्स हैं वो हो जाते हैं। तो डैम्पिंग जो है वो भी करी गई है इस वाली कार के अंदर। तो दोस्तों, कार की सारी कुछ एक्सरसाइज मैं आपको दिखा चुका हूँ। एक बार मिलते हैं कार ओनर से और सर से जानते हैं कैसा कुछ इनका रिस्पॉन्स रहा है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। रॉकी। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? गुड़गांव से। यहाँ के बारे में, सुभाष का स्टूडियो के बारे में कैसे पता चला आपको? हमें यूट्यूब चैनल से ही, भैया का भी देखा था और यूट्यूबर्स का भी देखा, तो हमें पता लगा, तो हम इसलिए। तो मतलब सुभाष भाई के बारे में आपने ऑनलाइन सर्च किया यूट्यूब? तो आप, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो चीज़ें आपको चाहिए थी सारी कुछ यहाँ पे मिल गई हैं? हाँ, सब कुछ अवेलेबल था। तो फिनिशिंग फिटमेंट वगैरह कैसा लगा आपको? भैया ने अच्छा करके दिया है, अभी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। फिर जैसे जैसे यूज करेंगे उस हिसाब से हम आगे भी फीडबैक देंगे। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन अगर मैं पूछूं तो कहीं कुछ कमी तो नहीं लगी? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। तो यही सोच के आप घर से आए थे कि मुझे ऐसा कुछ काम करवाना है गाड़ी का? बिल्कुल, जैसे मैंने देखा था मुझे वैसे ही काम मिला है और बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो मिल गया है। एक नंबर में बात करी जाए, 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे आप सारे काम को? 10 में से भैया 9.5 और आधा काटेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइम लग गया, तो टाइम को अगर हम कहें कि नंबर काट लिए चलिए ठीक है वो बात, टाइम को ऐसा तो नहीं है कि टाइम के अलावा भी कुछ खराबी हुई है ऐसा कुछ? नहीं, और नहीं, बढ़िया है, बैठे हैं हमारे, थोड़ा पीने खाने पीने का भी ध्यान रखा है ऐसी कुछ। ठीक, मतलब टाइम को अगर मैं कहूँ कि एक तरफ रख दिया जाए, काम में कहीं कुछ कमी नहीं है, काम बढ़िया है। आप ये कह सकते हो कल को कोई पूछता है आपसे तो कुछ काम करवाएं तो आप यहाँ के लिए रिकमेंड कर सकते हैं? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है, और आप खुश होकर के जा रहे हो वीडियो देख करके आए, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।